सबसे पहले आपको बताएं, टेक्सटाइल मिल्स मालिकान के मिल्स बंद करने की धमकी काम कर गई है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज को आज मुलाकात के लिए बुला लिया है। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान का वफ्द गौहर एजाज की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान की इमरान खान से मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी, जबकि बिजली बिलों पर सरचार्ज खत्म और दोबारा आयद करने से दरपेश मसाइल पर बात होगी। ज़राए का ऐसा बताना है, पावर डिवीजन ने एक साल कबल खत्म किए गए सरचार्ज दोबारा बहाल कर दिए थे। हुकूमत इकदाम के खिलाफ टेक्सटाइल मिल्स मालिकान ने मिल्स बंद करने का ऐलान किया था। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि टेक्सटाइल मिल्स मालिकान की मिलें बंद करने की धमकी काम कर गई। इस पर हम बात करेंगे हसन अली से। हसन अली, धमकी काम कर गई, मुलाकात मुतवक्की है, क्या क्या मामला तय पाए जाएंगे? ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला किया था कि मिलें जो है वो बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि उनको जो बिजली के बिल थे वो बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने यकमुश्त 12 महीने के सरचार्जेज और टैक्सेस समेत जो है वो भेज दिए थे, जिसके बाद ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने ये फैसला किया था कि वो मिलें बंद कर देंगे, क्योंकि मिलें नहीं चल सकती, किसी भी सूरत में वायबल नहीं है सूरत हाल। जिसके बाद जो है वो इस तमाम सूरत हाल के बाद एप्टिमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया और आज जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एप्टिमा के वफ़ को इस्लामाबाद जो है वो बुला लिया है। एप्टिमा का वफ़ जो है वो गौहर एजाज की सरबराही में आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा और तमाम तर सूरत हाल, जो भी सूरत हाल होगी, उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो बिजली के ज़ायद बिल भेजे जा रहे हैं टेक्सटाइल समेत जो दीगर एक्सपोर्ट के सेक्टर हैं, उनको उस हवाले से बात की जाएगी। और जो जो फैसला किया गया था कि 7.5 सेंट के हिसाब से ही बिजली फराहम की जाएगी टेक्सटाइल मिलों को, उस पर जो है वो फैसला किया जाएगा आज, क्योंकि गुज़िश्ता माह जो है वो वजारत तवानाई ने ये नोटिफिकेशन वापस लेते हुए तमाम सरचार्जेस और जो टैक्सेस थे वो शामिल करते हुए 1 जनवरी 2019 से बिजली के बिल जो है वो टेक्सटाइल मिलों को भेज दिए थे। और ये कहा गया था कि यकमुच 12 महीने के बिल जो है वो अदा करें, क्योंकि अगर ये बिल अदा ना किए गए तो फिर कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे। जिसके बाद ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने मिलें बंद करने की बात की थी और जब ये मिलें बंद करने की बात की गई तो इसका नोटिस जो है वज़ीर आज़म की जानिब से लिया गया है और आज जो है वज़ीर आज़म ने एप्टिमा के वफ़ को इस्लामाबाद तलब कर लिया है, जहाँ पे एप्टिमा के वफ़ की और की गौहर एजाज की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और जो बिजली के ज़ायद बिल भेजे गए हैं बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से, उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इस मसले को हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज आज इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर उनकी मुलाकात मुतवक्के है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से। बहुत शुक्रिया हसन अली, आप हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे।